हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं सर आपके सीए इंटरमीडिएट का जो टैक्सेशन का पेपर है, टैक्सेशन के पेपर की प्रिपरेशन सीरीज के बारे में फॉर द पर्पस ऑफ नवंबर 21 एग्जाम्स। सर अब आप इसमें क्या बताने जा रहे हैं? देखिए सर, पहली बात, आपका जो पेपर होगा टैक्सेशन का, उसके लिए हम प्रिपरेशन सीरीज बोल रहे हैं, बट ये टेस्ट सीरीज ही है सर। मतलब क्या आपका, आप थोड़ा सा यहाँ पे आइए। प्रिपरेशन कम टेस्ट सीरीज, सर आप क्या करने वाले हो? देखो, हम सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन के पेपर के लिए 4 चैप्टर वाइज टेस्ट और 1 फुल सिलेबस टेस्ट लेंगे। एंड अब मेरी बात थोड़ा आप सुन लीजिएगा, इट्स नॉट ओनली टेस्ट, अगेन बता रहे हैं टेस्ट नहीं है, बिकॉज टेस्ट का पर्पज होता है आपकी नॉलेज को चेक करना, बट हम आपकी प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं। और लास्ट ईयर ये सीरीज भी सक्सेसफुल हुई थी, इसलिए हम फिर से आपको इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, हमने लिखा भी है अनस्टॉपेबल ऑनगोइंग प्रिपरेशन, हम आपकी प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई पढ़कर टेस्ट दो, आप टेस्ट देके भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी प्रिपरेशन करवाएगा। इसीलिए इसका नाम है ऑनगोइंग अनस्टॉपेबल ऑनगोइंग प्रिपरेशन प्रयास टेस्ट सीरीज विथ सेम डे वीडियो सॉल्यूशन। आपको सेम डे वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, चाहे आप शेड्यूल्ड करें या अनशेड्यूल्ड इसको लें। ठीक है सर? ठीक है सर जी। सर इसमें होगा क्या, चलो आपको 1 सेकंड बाद बता देते हैं, जल्दीबाजी मत करिएगा। 4 चैप्टर वाइज टेस्ट है, 1 फुल सिलेबस टेस्ट है। एक्चुअल में विद कॉन्सेप्चुअल वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, और ये कैसे मिलेंगे आपको अभी हम बता ही देते हैं। देखो, मान लो सर कोई भी शेड्यूल डेट आप ले लीजिए, शेड्यूल डेट है सर आपके 15th ऑफ अगस्त की एग्जाम्पल, तो सर 15th ऑफ अगस्त को 2 बजे 2 PM पे आपको ईमेल आएगा सर, आपको जीमेल आएगा, इवन जीमेल आएगा कि ये रहा आपका पेपर। मान लीजिए सर ये पेपर होता है 1.5 आवर्स का, ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है, तो आपका 3:30 PM पर सर आपको मिल जाएंगे आंसर के पीडीएफ आपको मिलेंगे। अभी ये सेल्फ इवेल्युएशन बेसिस पे हमने किया है। और 3:31 PM पे सर आपको इसी आंसर का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। बिकॉज अब यहाँ पे आप मेन बात पे आइए, बिकॉज बहुत से टाइम्स ऐसा होता है कि हम टेस्ट पेपर, अगर मान लीजिए साहब हमने लिखा 1st ऑफ अगस्त को, ये चेक ओके आता है सर 4th ऑफ अगस्त को, तो हम 4th अगस्त को बैठ के अगेन उन्हीं टॉपिक्स को नहीं पढ़ सकते, बिकॉज उस दिन मेरा अलग कोई पेपर होता है। और इस तरीके से जो मैंने सेट किया है, आपने 15 अगस्त को जिन टॉपिक्स का पेपर लिखा उसी दिन उसका इवेल्युएशन भी कर लिया, उसी दिन कुछ प्रॉब्लम थी तो वीडियो सॉल्यूशन से आपने उसको रेक्टिफाई भी कर लिया, सेम डे में आपके चैप्टर्स खत्म हो गए। अगर जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज होती है कि 1 अगस्त को आपने लिखा, तो आप 4 अगस्त को बैक आके अपनी एरर को रेक्टिफाई नहीं करते हैं, यहाँ पे हम सेम डे में एरर रेक्टिफाई कराना चाहते हैं। इसलिए वीडियो सॉल्यूशन भी दे दिया, और आपको सेल्फ इवेल्युएशन के लिए भी चीजें ऑन टाइम प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको सब कुछ मेल पे आएगा। प्लस सर अलग से आपकी आईडी पासवर्ड होगी, आपकी एक लॉगिन आईडी होगी, वहां पे आप जाके कभी भी इन चीजों को देख सकते हैं। शेड्यूल डेट पे भी आएगा, उसके बाद भी अवेलेबल रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी कर सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन सर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के मिलेंगे, टेस्ट कैन बी अटेम्प्टेड आफ्टर शेड्यूल डेट। एक बात और सर, सर यहाँ पे आजकल एमसीक्यू का बहुत बात हो गई है कि सर देखो चैप्टर वाइज जो टेस्ट पेपर है उसमें एमसीक्यू हमने नहीं डाला है, अगेन क्योंकि हम आपकी प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं। सिर्फ एमसीक्यू डाल दें कि भाई देखो मेरा एज पर आईसीआई पैटर्न है, वो नहीं चाहते थे पेपर को, ठीक है। लेकिन सर जो लास्ट पेपर आपका फुल सिलेबस टेस्ट है, वो एज पर आईसीएआई है, सब कुछ तो एज पर आईसीआई है, उसमें एमसीक्यू बेस भी होगा, वो भी केस स्टडी बेस। और मैं अब एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये 4 चैप्टर वाइज और 1 फुल सिलेबस, ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल के होंगे, सारे क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल के होंगे। अरे सर हमें न्यू क्वेश्चन चाहिए बाबू, हम आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं और आईसीआई का फॉर्मेट आपको करवाना चाहते हैं, कि उसी के फॉर्मेट से आप लिखना सीखें, उसके फॉर्मेट से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो, तो हमने सब कुछ आईसीआई का ही दिया है। इन 5 टेस्ट के अलावा एक टेस्ट मैं और लेने के लिए प्लान कर रहा हूँ, जो होगा एमटीपी प्लस आरटीपी प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन के ऊपर, जिस जिसमें स्टडी मॉड्यूल का नहीं होगा, अदर क्वेश्चन होंगे, और वो भी फुल सिलेबस टेस्ट। मतलब आई एक्सपेक्ट 6 टेस्ट हम ले पाए, अभी प्लानिंग 5 टेस्ट की ही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर ये चीज कॉम्प्लीमेंट्री आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो पूरा का पूरा आपने सिनेरियो यहाँ पे इस चीज को समझा। दूसरी बात सर, सर इस टेस्ट में टेस्ट 1 आपका 16 अगस्त, उसके बाद 23 अगस्त, 29 अगस्त,
5 सितंबर और 9 सितंबर तक का है, बट इसके डेट के बाद भी आप अपनी चॉइस के बेसिस पे साहब, चॉइस के बेसिस पे कभी भी इन टेस्ट को दे सकते हैं। सर यस बताइए सर, कॉपी चेक अभी मैंने आपको बताया कॉपी चेक नहीं होने वाली है, यहाँ पे आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है, बिकॉज इसकी कॉस्ट भी हमने बहुत कम रखी हुई है, वो कॉस्ट बहुत कम है। हमने एक्सपेक्टेड तो क्लाउड कॉस्ट अपनी 99 रुपीज सोची है, बट आई गेस अभी प्री ओपनिंग में आपको ये 59 का ही मिलेगा। ओके सर, क्या सारे पेपर्स बन चुके हैं? अभी पेपर्स पूरे नहीं बने हुए हैं। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग सर क्या होगी? कुछ क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग जो है हमारी अभ्यास सीरीज की हम आपको दे देंगे, जिसमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट बताया गया होगा। तो कहीं ना कहीं सर इतनी ज्यादा चीजें आपको इतने लो प्राइस पे अवेलेबल कराने का रीजन क्या है? आपकी प्रिपरेशन। बिकॉज सर ये कोई टेस्ट सीरीज मैंने बोला नहीं है, ओनली टेस्ट सीरीज नहीं है, ये प्रैक्टिस कम टेस्ट सीरीज है साहब, प्रैक्टिस कम टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस कम टेस्ट सीरीज। हम आपका प्रिपरेशन भी करवाना चाहते हैं, प्रिपरेशन कम टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके प्रैक्टिस भी आपसे करवाना चाहते हैं, आप लिख पाए और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाए, सेम डे वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए आपको। तो अब आप अपना ओपिनियन और व्यू दीजिए इस टेस्ट सीरीज के ऊपर। इनरोलमेंट करने का सीधा तरीका है, आपको 9918310384 के ऊपर क्या करना पड़ेगा, यूपीआई का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद साहब हम आपको, आप इसी नंबर पे यूपीआई का व्हाट्सएप करके, इसी यही सेम नंबर यूपीआई भी है, इस पे आप व्हाट्सएप करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। हम आपको एक लिंक देंगे, वो लिंक होता है क्लास में ऐड होने का, आपको उस लिंक को ओपन करके ज्वाइन करना है, ज्वाइन क्लासरूम। आप जैसे ही ज्वाइन क्लासरूम करेंगे आप ऑटोमेटिकली, आपको ऑटोमेटिकली सारे पेपर्स दिखने लगेंगे। टेक केयर, बाय बाय। और इस शेड्यूल को मैंने उस क्लासरूम के अंदर शेयर कर दिया है, ये सारा इन्वायरमेंट में, अगेन हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सारा इन्वायरमेंट सेफ होगा, स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, डाउट निकाल सकते हैं इस क्लासरूम के अंदर, बट किसी का भी नंबर किसी के पास नहीं पहुंचेगा, किसी की भी ईमेल आईडी कोई दूसरा पर्सन नहीं देख सकता है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।